दोस्तों ये पोको X3 मोबाइल है। इस मोबाइल में दोस्तों क्या प्रॉब्लम आ रही है ये देखिए, इसमें जो है साउंड की आवाज़ नहीं आ रही है। ये देखिए ईयर स्पीकर और माइक जो है वर्क कर रहा है, लेकिन इसमें जो है सॉन्ग की आवाज़ नहीं आती और रिंगटोन की आवाज़ भी नहीं आती। तो चलिए दोस्तों इसे खोल के चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों नीचे का सेक्शन अभी खुला भी नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी साउंड की प्रॉब्लम आए, दोस्तों हमें सबसे पहले ये जो रिंगर बॉक्स है इसको चेक करना है, मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट कर लेना है और फिर जो है स्पीकर को चेक करना है। ये देखिए दोस्तों बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये बॉक्स ओके है। अब हमें इसके पॉइंट पे चेक करना है, इस पर सप्लाई आ रही है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों इस पर भी सप्लाई आ रही है, इसका मतलब स्पीकर का जो सर्किट है यहाँ का ओके है। अब हमें जो है मेन पीसीबी को बाहर निकालना होगा। तो दोस्तों ये पीसीबी बाहर निकाल लिया हमने। तो दोस्तों ये स्पीकर की प्रॉब्लम 2 से 3 चीज़ों से होता है, या तो जो रिंगर की जो आईसी है वो ख़राब है, वो क्या होता है जब हीटिंग की वजह से वो ड्राई हो जाती है, उनके बॉल्स जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं, या फिर जो है इसका सीपीयू से ये प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो शील्डिंग है इसके नीचे रिंगर की आईसी है, इसको हम निकाल के जो है उसमें पेस्ट डाल के हल्का हल्का हीट करेंगे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों शील्डिंग निकल गई। दोस्तों ये जो आईसी है इसको हमें पेस्ट डालकर हल्का हल्का हीट करना है, ताकि जो ड्राई शोल्डर है वो प्रॉपर शोल्डिंग हो जाए। चलिए दोस्तों अब चेक करते हैं साउंड वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों ये वही मदरबोर्ड है जिसको हमने रिपेयर किया है। ये देखिए दोस्तों अब इसमें देखिए साउंड की आवाज आ रही है, ये देखिए ये देखिए। तो दोस्तों ये जो रिंगर की आईसी है इसके जो बॉल्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, तो हमने दोस्तों सिंपल सा क्या किया है, इसमें पेस्ट डाल के हीट किया और ये प्रॉब्लम देखिए सॉल्व हो गई। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।